तो हेलो गाइस, आज हम आपको बताएंगे कि डोरेमोन बरीद बड़ी ये वीडियो होने वाली है डोरेमोन बरीद बरी पर आपने ये वाला वा... इस वाक्य के बारे में तो सुना ही होगा ये काफ़ी मशहूर वाक्य है चले सस्ता सॉरी चले स्टार्ट करते हैं ये आवाज़ मेरी हॉरर आवाज़ है ना तो चले स्टार्ट करते हैं तो ये इसमें हमें दिखाया हमें ये बताया ये स्टोरी ये शुरू होती है फोर दोस्तों से जो बीच पे जाने की प्लानिंग करते हैं और उन्हें डाइविंग भी बहुत अच्छे से आती है लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है इसीलिए इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखना तो अब वो प्लान तो कर लेते हैं लेकिन वो अपने दो डेज तो बीच पे जाते हैं, अब उन्हें मिलती है स्कूल से छुट्टी इसीलिए वो दो डेज बीच पे जाते हैं फोर डेज को मिलती है अब वो अब वो अब उनका तो प्लान था कि वो फोर डेज वहीं रहेंगे लेकिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम तो डेज बीच पे रहे और तू डेज डाइविंग करें अब उनमें से तो दोस्तों ने कहा नहीं अभी बहुत से ऐसे राज है जो साइंटिस्ट ने समंदर के बारे में नहीं ऐसा एक राज भी नहीं है जो समंदर के बारे में साइंटिस्ट ने खोजा हो हम नहीं जा सकते अंदर तो लेकिन उन दो दोस्त फिर वो दोस्त ही दोस गए क्योंकि दो तो डर रहे थे ना इसीलिए दो दोस्त अंदर समंदर में दो दिन डाइविंग करने के लिए गए अभी वो डाइविंग गए करने के लिए गए थे आ, और एक बार उन, 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 उनका दूसरा दिन था डाइविंग का यानी उनका चौथा दिन था हुआ क्यों चौथे दिन को जब उनका चौथा दिन था तो वो अंदर गए और उन्हें देखा कि के, के एक की डॉल नजर आई है का एक टॉय नजर आया है जो आपकी स्क्रीन पे भी आपको नजर आ रहा होगा मैं कभी बगैर प्रूफ के वीडियो नहीं बनाता देखे ये मेरे पास प्रूफ है और और फिर फौरन उस डॉल को उस डॉल को और उस टॉय को देखते और तभी वो सोचते हैं कि हाँ ये तो किसी बच्चे ने नीचे फेंक दिया होगा लेकिन जब लेकिन उन्हें लग रहा था कि टॉय है लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनके आगे के आगे क्या होने वाला है ये बात और मैं बता दूँ ये बात है अप्रैल थर्टीन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू की और जब उसे उठाने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज़्यादा हैवी होता है और वो सोचते हैं कि ये क्या है ये इतना हैवी तो कोई टॉय भी नहीं होता कोई डॉल भी नहीं होती और और जब और जब वो नहीं उठता तो वो उसका मटीरियल चेक करते हैं और जब वो उसका मटीरियल चेक करते हैं वो हैरान और परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये वाला दौड़ा मोन किसी किसी को कि या फिर किसी ऐसे मटीरियल से नहीं बना था जिससे कोई तोये बनता है बल्कि ये किसी रोबोट के मेटल से बना था जैसा रोबोट होता है अब ये फौरन फौरन ऊपर आते हैं और वो अपने दो दोस्तों को बताते हैं कि क्या कि हमें दो का ये टॉय नज़र आया है और उनके दो दोस्त उन्हें उन दोनों को कहते हैं कि हमें ये बात ये जापान की सबसे बड़ी लबोट्री को बतानी चाहिए और की सबसे बड़ी को ये बात बताते हैं और और वो क्रे और वो लबोत्री क्रेन की मदद से उस दो रेमोन को उठाती है और और, और आगे और वो था तो लेती है लेकिन आगे क्या हुआ एक जापानीज ग्रुप जिसे ने कहा कि एक एक जापानीज एक दौरा एमोन फैन ने जो थ्यूरी निकाली है बल्कि एक थ्यूरी नहीं बल्कि बिल्कुल सच है ये दो एमॉन की एक मूवी शायद उसका नाम था खेल खलोना तो डोरेमोन खेल खलोना शायद उसका नाम था उसमें कि उस मूवी में भी तो यही सारा कुछ हुआ था डोरेमोन को शौक देख दे कर शौक दे दे कर उसे समंदर में फेंक दिया था तो ये भी तो यही तो बिल्कुल उस मूवी जैसा ऐसा हो रहा है तो जब उन्हें ये पता चला कि ये तो बिल्कुल उस मूवी जैसा है तो पूरा जापान और जब ये बात पूरे जापान को इंटरनेट के ज़रिए पता चली तो वो बहुत ज़्यादा क्रेल हो गए और और साइंटिस्ट ने फैसला किया कि ये सारी न्यूज़ हम पूरी दुनिया में नहीं पहुंचाएंगे और मैं देख सकते हैं मैं इसका प्रूफ भी लाया हो एक जप, एक जापानीज़ सोर वेबसाइट सोरा न्यूज़ ट्वेंटी ट्वेंटी फोर पर भी ये न्यूज़ है तो आप देख सकते हैं तो साइंटिस्ट ने कहा कि हम ये बात किसी को भी नहीं बताएंगे और पूरे दुनिया के थैंक्स टू द इंटरनेट कि उन्होंने हम सबको बताया इंटरनेट में जब पाँच जैपनीज लोगों ने पोस्ट कर कर के पूरी दुनिया को ये बात पता चल गई और आज ये पूरी दुनिया को पता चली है अब जब साइंटिस्ट ने उसमें रिसर्च की तो उस डोरेमोन पे तो पता चला कि ये डोरेमोन तो बहुत ज़्यादा हाई टे फ्यूचर हाई फ्यूचर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से बना है और इसे फोर साल पहले या तो किसी ने बनाया था या तो ये फ्यूचर से आया था अब एक अब एक जापानीज वेबसाइट पे इस तो अब जापानीज़ एक जापानीज़ वेब एक जापानीज़ वेबसाइट पे कहा के एक जगह के वहाँ उसमें ना कुछ जापानी वो ना उसमें ना कुछ जापानीज़ फ्रेंड्स कुछ कोई जापानीज़ टीम्स होती है और वो उस वेबसाइट पे मिस्ट्री सॉल्व करती है अब वो जब मिस्ट्री सॉल्व कर रही थी तो ये भी मिस्ट्री उन्होंने सॉल्व सॉल्व की और क्यूब नहीं कर रही करनी थी क्योंकि क्योंकि और उन्होंने इस विषय को सॉल्व किया और एक छुरी निकाली कि यह दोमोन चार सौ साल पहले फोर हंड्रेड ईयर्स पहले इस किसी की मदद करने के लिए जैसे नोबी था की मदद करने के लिए दो आया था वैसे ही ये डोरेमोन भी किसी की मदद करने के लिए आया था और, और इसे टाइम और ये ये टाइम मशीन से आया था और आपको तो पता ही है कि टाइम ट्रेवल करना कितना बड़ा जुर्म है डोरेमोन में और इसलिए टाइम ट्रेवल करने की वजह से डोरेमोन को टाइम पुलिस ने इस ऐसे समंदर में फेंक दिया और ओ साइं ओह साइंटिस्ट अभी भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं और यह पना तो बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी से है <laughs> तो मैं तो कहता हूँ कि किसी तरह इस पर रिसर्च करके <laughs> इसे ही वा वापस एक अच्छे रोबोट जैसे चार सौ साल पहले एक रोबोट था जैसा था वैसा ही वापस बना के इसे एक रोबोट कर दे हमारे पास अपना असली दौरा मौन आ जाएगा ना हाँ ये वैसे पॉसिबल है नहीं क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी चाहिए वो तो भी फ्यूचर में ही दोम को ऐसा हो सकता है अब 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 आगे पता नहीं क्या होगा हाँ तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो हॉरर लगी हो तो देखिए और ये भी और ये वीडियो भी कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है अल्लाह हाफिज़ ये वीडियो फिनिश होती है Allah Hafiz!